हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो हम मेरे उन सारे फ्रेंड्स को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आप में से जो लोग आज पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को पहले से एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर देख के आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन दबाना मत भूलना। अच्छा, तो आज हम एक्चुअली जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करने आए हैं या आपको बोलने आए हैं, वो एक पर्टिकुलर ड्रिंक को लेकर है। जी नहीं दोस्तों, कोई हेल्थ ड्रिंक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट एल्कोहल। जैसा कि हम सभी को पता है कि एल्कोहल या शराब पीना सेहत के लिए बहुत बहुत हानिकारक होता है, लेकिन इस इन शराबों में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। मतलब कुछ एल्कोहल्स ऐसे होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत खराब होते हैं, और कुछ एल्कोहल्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर एक लिमिटेड डोजेज में अगर आप लोग कंज्यूम करते हो, कंजम्पशन करते हो, तो आपके सेहत के लिए वो फायदेमंद भी हो सकते हैं। ऐसे ही एक अल्कोहल का नाम है बियर। कम, ज्यादा या मॉडरेट, बियर एक ऐसा ड्रिंक है जो सभी लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर चखे होंगे। ऑब्वियसली मैंने अभी तक नहीं चखा, लेकिन सोच रही हूँ एक बार ट्राई करके देख लूंगी। एक्चुअली मैं उस दिन कुछ रिसोर्सेस के कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू गो थ्रू कर रही थी अबाउट एल्कोहल्स, तो वहाँ पे नहीं बियर के कुछ फायदे के बारे में, कुछ बेनिफिट्स के बारे में मैंने रीड करा, तो सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करूँ। बियर पर्टिकुलरली एक ऐसा ड्रिंक है जो ड्रिंक अगर आप रेगुलर बेसिस में या सपोज वीकली वन कप और टू कप के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्लास मेजर ऑफ हिसाब लेते हो, अगर आप उसको लेते हो, कंज्यूम करते हो, चाहे वो वीकली हो या जो लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं, तो उनके लिए भी बोलूँगी कि एक पेग या टू पेग मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मेजरमेंट वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो अगर आप इस मेजरमेंट का ड्रिंक जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग लेते हैं, उनके लिए एक चीज़ जो बहुत फायदेमंद होती है, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेस होते हैं, जो भी आपके छाती से रिलेटेड, आपके कार्डियक से रिलेटेड जो भी डिजीजेस होते हैं, उन डिजीजेस से आपको काफ़ी हद तक सेफ्टी रहती है। यस, क्योंकि बियर में कुछ ऐसे फर्मेंटेटेड एंजाइम्स रहते हैं जिन एंजाइम्स के वजह से वो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, मेजरमेंट कभी भी एक पेक से दो पेक के ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस बियर को अगर आप एक पेक दो पेक करके आप अगर आप वीकली और रेगुलर वाइज डेली बेसिस पे अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो जो बियर आपके कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज के लिए फायदेमंद हो सकता है, वही बियर अगर आप उसमें उसके तरफ एडिक्टेड होके मोर देन टू पेक्स अगर आप रेगुलर वाइज अगर आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा कई लोग करते भी हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको लगता है कि बियर इज अ हेल्दी ड्रिंक, तो चलो क्यों ना उसको रेगुलर बेसिस पर ज्यादा ज्यादा दिया जाए। तो उनके लिए एक चेतावनी हम जरूर देंगे कि जो बियर आपके कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को अगर आप मेजरमेंट में प्रॉपर अमाउंट में अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं, आपको फायदा दे, वही बियर अगर आप मोर देन द अमाउंट दैट इज प्रेस्क्राइब बाई एनी डॉक्टर अगर आप उसको रेगुलर वाइज कंज्यूम करते हैं, तो वही जो कार्डियोवैस्कुलर सबको बचाता था, वही आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की तरफ धकेल देता है। यस, आई एम राइट। और ये बात आप कोई भी डॉक्टर से हो, कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो, अगर आप उससे भी अगर कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं, तो वो लोग भी आपको एक ही बात जवाब देंगे। इसके अलावा जिन लोगों को प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए तो बियर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जैसे कि मान लो जिनको हाई प्रेशर का प्रॉब्लम है, या जिन जो लोग डायबिटीज
के पेशेंट हैं, जो लोग किडनी के पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए यही बियर जो एक समय था कि उन लोगों को बहुत तरह से सेफ गार्ड के हिसाब से बियर को लोग इंटेक करते थे, लेकिन जैसे ही उन मेजरमेंट को एक्सटेंड कर जाते तो उन लोगों के लिए यही बियर अभिशाप बन जाता है। इसी बियर से फिर आप लोगों को, जिन लोगों को किडनी का डिजीज नहीं है उनको भी किडनी के डिजीज का खतरा हो सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिर आपको कोई कांस्टेंट ऐसा, क्योंकि एडिक्टेड हो जाने के बाद क्या होता है, हम लोगों में इरिटेशन आ जाता है कि उसके बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो ये जो सडन कुछ चीजें जो आपके एक कंजम्पशन की एक्सटेंडेड होने पर यू गो थ्रू, यू फेस थ्रू, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, न्यूटन ने एक बार कहा था कि एवरीथिंग हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो बात बियर की भी है, जैसे बियर की कुछ अच्छाइयां भी है उसकी कुछ बुराइयां भी है, आपको क्या करना है, आपको उसकी अच्छाइयां लेनी है और बुराइयों से खुद को दूर रखना है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे क्योंकि एल्कोहल इज एल्कोहल, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखो कि किसी भी चीज का, जो मैं हमेशा मेरे सारे फ्रेंड्स को बोलती हूँ, Never become addicted to any particular habit. चाहे वो आपका eating habit हो, आपका कोई wearing habit हो, या कोई आपका lifestyle habit हो, anything. Please, habit में मत डाल लो। हाँ, किन चीजों को habit में डाल सकते हो? The things which are healthy and which are always known for its health benefits. और ये जरूर बोलूँगी कि please कि आप लोगों में जिन लोगों को already मान लो कोई प्रेशर का प्रॉब्लम हो या डायबिटिक का प्रॉब्लम हो या न्यूरोटिक न्यूरालजिक का प्रॉब्लम हो, तो आप लोग प्लीज, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम ऑलरेडी आप डायग्नोसिस हो चुके हो, तो प्लीज आप लोग खुद को बियर से दूर रखिए। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, कोई भी बियर को, किसी भी अल्कोहल से खुद को दूर रखिए, क्योंकि इससे मामला और संगीन हो सकता है और डॉक्टर से कंसल्टेशन हमेशा जारी रखिए, बिकॉज दे आर द बेस्ट पायनियर्स एंड दे नोस व्हाट इज सुटेबल फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट। आज के लिए इतना तक ही, उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो, मेरे दिए गए सजेशंस अच्छे लगेंगे और मैंने बियर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिए उम्मीद है आपको वो भी पसंद आए होंगे। सो जो लोग बस पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारे दिए गए ऑप्शन पसंद आते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में दिया हुआ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। स्वस्थ रहो, सुंदर रहो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। और हाँ, एक बात तो जरूर बोलूंगी कि आपको हमारे दिए गए जो टिप्स मैं आप लोग को देती हूँ या जो एडवाइसेस देती हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है या आप लोग उसको प्रैक्टिस जो करते हो, आजमाते हो अपने ऊपर, तो वो आपके लिए फायदेमंद है या आपके लिए कोई नुकसान है, तो प्लीज आप अपने फीडबैक हमको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक्स और आपके कमेंट्स मुझे एनकरेज करते हैं आप लोगों के पास दोबारा फोन कराने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे होप्ड विद अस, गुड बाय एंड स्टार।